जबलपुर में मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का पुतला दहन कर 13वीं मनाई और कुत्तों को भोज कराया। जनार्दन प्रताप सिंह दुबे अध्यक्ष मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन जबलपुर ने बताया कि मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन एवं कई अन्य विद्युत ठेकेदार संगठन के बैनर तले विगत 13 दिनों से सौभाग्य योजना के भुगतान हेतु एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के मापन के लिए लगातार आमरण अनशन जारी है। संगठन का आरोप है कि विगत 13 दिनों से हमसे धरना स्थल पर मिलने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया। हमारे द्वारा किए गए कई सैकड़ों पत्राचार का अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया, जिस कारण लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन द्वारा बताया गया कि 10 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने पर या किसी भी अधिकारी के धरना स्थल पर न आने पर सभी 11 तारीख को भोपाल के बल्लभ भवन के लिए प्रस्थान करेंगे और 12 तारीख से भोपाल में बल्लभ भवन का घेराव करेंगे। यदि उस दौरान कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की होगी। हमारे आंदोलन के 13 दिन यहाँ पर आज पूर्ण हो गए और आज से 13 दिन पहले हमने आमरण अनशन प्रारंभ किया था और इन 13 दिनों में क्योंकि इनके कानों में कोई भी जू नहीं रहेगी और इन लोगों ने हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं किया और कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी, कोई भी अधिकारी आज तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया। हम लोगों ने सैकड़ों पत्राचार किए, उस एक पत्राचार का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मतलब ये बतलाता है कि प्रशासन अंधा बहरा और गूंगा भी हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने आज हमारे पी के छत्री जी जो प्रभारी प्रबंध संचालक है, हमने आज उनका पुतला दहन किया। कविता बाटला मैडम जो मुख्य महाप्रबंधक है, जिन्होंने हम लोगों के भुगतान की फाइल को रोक के रखा हुआ है। श्री अशोक ध्रुवे जी जो मुख्य महाप्रबंधक रूरल प्रोजेक्ट है, उन्होंने हमारे पेमेंट की फाइल को आगे नहीं बढ़ाया और पीके छत्री जी उसे पास नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार चेतन जायसवाल जो पूर्व CFO थे, उन्होंने हमें काफ़ी गुमराह किया। सब लोगों ने कहा क्या कहते हैं कि हमने भुगतान रोक के रखा हुआ है, लेकिन आज तक भुगतान रोकने का किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश किसी भी कार्यालय से नहीं निकला है।